हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए ब्लॉग्स और टिप्स आपके लिए शेयर करती रहती हूँ वीडियोज़ पर। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है पीतल के बर्तन या फिर तांबे के जो बर्तन होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं घरों में आजकल। पहले के ज़माने में इसे ही कंटिन्यू यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कम यूज़ होते हैं। कभी हम पूजा वगैरह में निकालते हैं, बस इतना ही करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। और बहुत पुराने घर जो होते हैं उनमें ही बहुत कम ऐसा देखा जाता होगा जिसमें ये यूज़ होता होगा। तो आज का टॉपिक यही है, क्योंकि हम बहुत दिन तक इसको अगर हवा के वातावरण में या कहीं पर भी रख देते हैं तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है जो गंदी हो जाती है। बर्तन जो है वो उसमें अजीब टाइप के दाग हो जाते हैं, और जैसे अगर आप नॉर्मली साबुन या सर्फ से यूज़ करोगे तो वो नहीं जाती है। तो आज मैं उसके लिए एक ट्रिक लाई हूँ, जैसे ये 5 मिनट में बिना ज़्यादा सरदर्दी के ये आराम से धुल जाएंगे। तो आप पूरा देखें मेरे वीडियोज़ को और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बर्तन, तो कुछ तो इसमें देखिए, ये है तांबा का बर्तन और ये जो है ये है पीतल का बर्तन। और सबका कलर देखिए डल हो चुका है। ये तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी जो नहीं यूज़ करती हूँ उसका कलर कुछ इस टाइप का हो गया है। और ये जैसे दिवाली हो गया या घर में कोई पूजा गया तो उसमें यूज़ करती हूँ। वैसे अगर बाहर मैं रखे रह गई थी ये 1 महीने से, तो इसके ऊपर देखिए कैसी परत जम गई है। तो चलिए इसको हम साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिक वाला ट्रिक वाला मिश्रण तैयार करते हैं। तो मैंने देखिए क्या क्या लिया है। तो ये जो है ये पीतांबरी है, ये जो पिंक कलर की आप देख रहे हैं वो पीतांबरी पाउडर है। इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ किया है, डिटर्जेंट जो घर में हम कपड़ा साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं मैंने उसी को यूज़ किया है। और इसमें एक और चीज़ मैं ट्रिक करने वाली हूँ वो है ये लेमन जूस। ये बहुत अच्छा होता है मैल को काटने के लिए, रंग को साफ़ करने में ये बहुत काम आता है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि इसको हम इन सब के ऊपर लगा के 5 मिनट के लिए यूँ रहने देंगे। देखिए इस तरह से जस्ट मैं रगड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लगा लीजिएगा और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इनके टाइप की कलर हो गई है अंदर से, देखिए कितना ये हो गया है। तो इन सबको हम पहले लगा के छोड़ने वाले हैं। डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में मैल बैठ जाती है। सबके ऊपर मैं ये पीतांबरी लगा के छोड़ रही हूँ अभी। मिनट हो चुका है दोस्तों, तो अब हम इनको साफ करते हैं। थोड़ा सा हल्के हाथों से हम रख देंगे, आप देखो बस हल्का हाथ मैंने लगाया, बहुत टाइट नहीं लगाया है। अब इसको देखो, देख रहे हो ये और ये।
अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के बाद आप देखिए कि कितनी गंदी थी वो बर्तन और अब कितनी चमक रही है और बहुत शाइन आ गई है इन बर्तनों में। तो आप भी इस ट्रिक को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और बाकी बर्तन को भी मैं वॉश करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी चमक आई। ये पीतल का था, तांबे में भी उतनी ही चमक आई है, ये तांबे का था, पीतल में भी उतनी ही चमक आई है दोस्तों। तो आप भी इस ट्रिक को घर में ज़रूर यूज़ करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। देखिए इस पर भी कितने दाग धब्बे थे, फिर भी कितना साफ़ लग रहा है। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये ट्रिक आपके घर में यूज़फुल हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे सफ़र संग, मेरे ज़िंदगी के सफ़र के संग जुड़ते हुए मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। तो इसी तरह से और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी सबसे पहली वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह से प्लीज़ 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 मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा।